क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डिड मोहन रेस्पॉन्ड, मोहन ने किस तरीके से उत्तर दिया, मोहन ने क्या जवाब दिया, मोहन ने कैसे रिप्लाई किया, काय पर, टू हिज फादर्स रिक्वेस्ट, अपने पिता की रिक्वेस्ट पर, पिता की रिक्वेस्ट क्या थी वो आगे लिखी है, टू गो एंड लुक, पिता ने ये रिक्वेस्ट करी थी कि जाओ और देखो, लुक फॉर मतलब तलाशना, कि जाओ और तलाशो किसको, द आस का देखो। तो जब पिता ने मोहन से ये रिक्वेस्ट किया कि टू गो एंड लुक फॉर द आस, कि जाओ और गधे की तलाश करो, गधे का पता लगाओ, ये रिक्वेस्ट जब पिता ने मोहन से करी, तो इस पे आपको बताना है कि हाउ डिड मोहन रेस्पॉन्ड, कि मोहन ने इस बात पर किस तरीके से उत्तर दिया, या मोहन ने उसकी रिक्वेस्ट का क्या जवाब दिया, ये आपको बताना है। पहले क्वेश्चन ठीक से दिमाग में समझ में आ जाए, बैठ जाना चाहिए क्वेश्चन, फिर आंसर कहाँ से है स्टोरी में, अगर आपने चैप्टर को रीड किया है तो आंसर समझ में आएगा कि ये जो आंसर है वो स्टोरी में कहाँ से है। और आंसर अगर आपकी समझ में आ जाता है कि इससे लिखना है, फिर टेंस और ग्रामर जो वाली बात है वो आपको समझनी। तो मोहन ने अपने पिता की रिक्वेस्ट पर किस तरीके से जवाब दिया, मोहन ने अपने पिता की रिक्वेस्ट पर क्या रिप्लाई किया, वो आपको बताना है। आंसर देखिए कि ही टोल्ड हिज फादर, उसका जवाब क्या था कि उसने अपने पिता से बोला, दैट की, ठीक, यहाँ तक समझ रहे होंगे क्योंकि पास्ट है तो आपका पास्ट में चला गया, कि ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से बोला, दैट की ही वॉज टर्निंग इन टू एन आस, उसने सीधे सीधे कहा कि ही वॉज टर्निंग, उसने तो ये कहा था कि आई वॉज टर्निंग, या आप ये समझ लें कि ठीक कहेंगे तो आई एम टर्निंग इन टू एन आस, कि मैं एक गधे में परिवर्तित हो गया हूँ, मैं एक गधा बन गया हूँ, हिमसेल्फ स्वयं, इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के चक्कर में, दास गधे की, तो उसने सीधे सीधे ये कहा कि गधे की देखभाल करने के चक्कर में मैं तो खुद गधा बन गया हूँ। ये उस लड़के का अपने पिता को जवाब था। तो ये आपको लिखना है। अब जैसे यहाँ मैंने बताया कि आई एम टर्निंग, अब आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलता है तो ही हो गया, सारा नरेशन का रूल लगता है। एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मैंने अभी आपको बताया कि करस्पॉन्डिंग पास्ट में जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में आ गया। तो इस तरीके से हो गया कि ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से कहा, क्या कहा, कि ही वॉज टर्निंग, वो बदल गया है काइम इन टू एन आस, एक रूप से जब दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो इन टू का यूज, तो ही वॉज टर्निंग इन टू एन आस, क्या वो गधे में परिवर्तित हो गया है, और वो भी काय के लिए, तो उसने ये भी बताया कि ही वॉज टर्निंग इन टू एन आस इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के चक्कर में, इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द आस, कि गधे की देखभाल करने के चक्कर में वो खुद गधा बन गया। तो मेरे ख्याल से आंसर एकदम से ईजी है, समझ में आ गया होगा कि ही टोल्ड हिज फादर, उसने अपने पिता से बोला। अब यहाँ भी थोड़ा सा समझिए, जैसे अगर बाद में आपके पास ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, अगर केवल ये होता कि मोहन ने कहा, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कहते हैं कि ही सेड, ठीक। अगर आपके पास ये है कि किससे कहा, यानी जिससे कहा वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट भी है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि ये जो से होता है ये बदल जाता है टेल में, और टेल पास्ट में जाएगा तो हो जाएगा टोल्ड में। तो इस तरीके से अगर आप पे ऑब्जेक्ट है तभी यहाँ टोल्ड आएगा। तो ही टोल्ड इज फादर, कि उसने अपने पिता से कहा, ठीक, दैट की, अब जो बात कही थी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसने क्या कहा था कि वो खुद गधे में परिवर्तित हो गया। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा कि ही वॉज टर्निंग इन टू एन आस हिमसेल्फ, खुद ही वॉज टर्निंग इन टू एन आस हिमसेल्फ, कि वो खुद गधे में बदल गया है, वो खुद गधा बन गया है, इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के चक्कर में द आस गधे की। क्लियर, एक बार सारे आंसर को फिर से देखिए। हाँ, इस बार आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश करेंगे कि ये जो आंसर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, कोशिश करिए कि आपको अपने आप से आना चाहिए। क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या है कि व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैं भूल रहा हूँ, तो ऐसी स्थिति में आप हिंदी को याद करिए, आप स्टोरी उसको याद करिए कि हिंदी में अगर आप लिखते तो क्या लिखते, घासी की कंप्लेंट क्या थी,
किससे? टू द पंचायत, पंचायत से। तो घासी की कंप्लेंट क्या थी? हिंदी में सोचिए कि कान छेदी ने उसका गधा चुरा लिया, ये पंचायत थी। तो घासी कंप्लेंट वॉज दैट, घासी की शिकायत ये थी कि कान छेदी ने चुरा लिया है। काम खत्म हो गया, परफेक्ट हो गया, यानी कांछेदी हैड स्टोलन, लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा कि कांछेदी हैड स्टोलन हिजाज। सोच के करिए, सोच के याद करिए, अपने आप से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड घासी नॉट बाई अ बाइसाइकिल, घासी ने साइकिल क्यों नहीं खरीदी? तो घासी ने साइकिल इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि वो साइकिल चलाना नहीं जानता था। तो ही डिड नॉट बाई अ बाइसाइकिल, कि उसने एक साइकिल नहीं खरीदी, बिकॉज क्योंकि उसने कभी साइकिल चलाई नहीं थी। तो ही हैड नेवर रिडन अ बाइसाइकिल, और अगर अब चलाना सीखता तो हाथ पैर टूट सकते थे। तो इफ इन, कि यदि इन हिज ओल्ड एज, कि यदि अपनी इस उम्र में ही स्टार्टेड डूइंग इट, उसने ये करना शुरू किया, तो ही अब मे काय में बदल जाएगा, माइट में, तो ही माइट ब्रेक हिज लिम्स, कि वो अपने हाथ पैर तोड़ सकता था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड घासी लॉस हिज आस, घासी का गधा कैसे खो गया? कहानी याद रखिए कि उसने गधे को बांध दिया था मुखिया जी के ग्वावा ट्री से, अब इन द नाइट लगने से परफेक्ट में चला गया, कि ही हैड टाइड, यानी इससे पहले की बात हो गई, कि ही हैड टाइड हिज आस, कि उसने अपने गधे को बांध दिया था इन द नाइट, रात के समय में, टू मुखिया जी इस ग्वावा ट्री। और अगली सुबह की बात करें तो नेक्स्ट मॉर्निंग, अब ये इंडेफिनिट में आ जाएगा, कि ही डिड नॉट फाइंड द एनिमल देयर, कि अगली सुबह उसे जानवर वान नहीं मिला, ऐसे खो गया। दस इस प्रकार से ऐसे ही उसने खो दिया, पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, तो ही लॉस्ट इट। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाउ डिड मोहन रेस्पॉन्ड टू हिज फादर्स रिक्वेस्ट टू गो एंड लुक फॉर द आस, जब पिता ने यह कहा था कि जाओ और गधे को तलाश करो, तो इस पर मोहन का जवाब क्या था? तो आप क्या कहेंगे, यानी पिता की जो रिक्वेस्ट थी, इसका मोहन का जवाब क्या था? तो मोहन ने अपने पिता से बोला, तो टेल पिता से बोला, ऑब्जेक्ट है, तो ही टोल्ड हिज फादर, क्या बोला था? कि वो गधे में परिवर्तित हो गया, वो गधा बन गया है, बन गया है, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होना चाहिए था, बदल के काय में जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही वॉज टर्निंग इन टू एन आस हिमसेल्फ, और वो भी काय के लिए? इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर, देखभाल करने की वजह से। तो इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर द आस, क्या गधे की देखभाल के चक्कर में वो खुद गधा बन गया। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है। हाँ, अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर डिड घासी फाइंड द आस, वेयर कहाँ, डिड लगने से बात आपकी कहाँ पहुँच गई? पास्ट इंडेफिनिट में। तो इस तरीके से जो आपकी मेन वर्ब फाइंड है वो पास्ट में गई, फाइंड का मतलब प्राप्त करना, जो पास्ट में जाके क्या हो गई? प्राप्त किया या पाया। तो घासी ने गधे को कहाँ पाया? ठीक, यानी घासी को गधा कहाँ मिला? अब उसका गधा खो गया था, स्टोरी में थोड़ा सा जाइए, क्या उसको वो गधा मिला? तो जब आप पूरी स्टोरी अगर आपने ठीक से सुनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको समझ में आ रहा होगा कि उसने पंचायत में क्या कहा था, कि कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि जो मेरा गधा है वो वहाँ बंधा हुआ था, और उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। ठीक, जो व्यक्ति था वो कांछेदी था। तो यही आपसे पूछा है कि उसे गधा कहाँ मिला, हालांकि उसे मिला नहीं, जब वो उसे वहाँ खोलने गया तो जो कांछेदी था उसने बुरे तरीके से पीटा, और पीट करके उसे वहाँ से भगा दिया। ठीक, तो यहाँ लेकिन आपको केवल इतना बताना है कि वेयर डिड घासी फाइंड द आस, कि उसे गधा कहाँ मिला। ठीक, आप क्या कहेंगे कि ही, अब फाइंड का क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म फाउंड, कि ही फाउंड द आस, क्या उसे गधा मिला कहाँ? टेदर्ड, बंधा हुआ, उसके पास नहीं आया, उसे बंधा हुआ मिला। कहाँ मिला? एट कांछेदीस प्लेस, कांछेदी के घर पर। तो उसे गधा कहाँ बंधा हुआ मिला? कांछेदीस प्लेस, के कांछेदी के घर पर। अब इसमें लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, दिमाग में थोड़ा सा याद हो, स्टोरी अगर याद हो, फिर लिखना समझ में आना है, कि फाइंड का पास्ट में ले गए तो फाउंड हो गया, तो इस तरीके से हो जाएगा कि ही फाउंड द आस। अब वहाँ भी कैसा मिला? कि वहाँ उसे बंधा हुआ मिला, जब वो उसे खोलने गया
तो कानछेदी ने उसे बुरे तरीके से पीटा। तो इतनी स्टोरी दिमाग में रहेगी तो समझ में आ जाएगा कि उसे वहाँ बंधा हुआ मिला। बंधा हुआ के लिए आप क्या लगाएंगे? टेदर्ड, कि ही फाउंड द आस टेदर्ड, कि उसे गधा बंधा हुआ मिला। और कहाँ मिला? कानछेदी के घर पर। तो एट कानछेदी प्लेस, छोटे स्थान के लिए आप एट का यूज़ करते हैं। तो बस इस तरीके से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रखिए कि जिनको हमने बस एक बार पढ़ लिया, फिर कभी पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हाउ डिड कानछेदी ट्रीट, कि कानछेदी ने कैसे ट्रीट किया। डिड लगाए, ट्रीट आप काय में ले जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, व्यवहार करना, कि कानछेदी ने कैसे व्यवहार किया घासी से। वैन जब ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, ये भी पास्ट में चला गया, काय का प्रयास किया, टू अनटाई, खोलने का द आस गधे को। तो उसे पता चल गया कि गधा मेरा उसके जगह पर बंधा हुआ है, तो वो दौड़ करके गया उसके घर पर और उसने गधे को सीधे जा करके खोलने का प्रयास किया। तो इसी पे क्वेश्चन बनाए कि हाउ डिड कानछेदी ट्रीट, कि कानछेदी ने कैसे ट्रीट किया। जब वो गया उसने जा करके सीधे गधे को खोलना चाहा, तो उसने क्या किया कि हाउ डिड कानछेदी ट्रीट, कि कानछेदी ने कैसे ट्रीट किया, कानछेदी ने कैसे व्यवहार किया, किसके साथ? घासी के साथ। वैन जब ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, यानी घासी ने प्रयास किया, टू अनटाई, खोलने का, दास गधे को। तो जब उसने गधे को खोलने का प्रयास किया तो उसने किस तरीके से ट्रीट किया कानछेदी ने। और ये आपको पता ही है कि कानछेदी ने उसे बुरे तरीके से डंडों से पीटा। यही आपको लिखना है कि वैन घासी ट्राइड टू अनटाई द आस। तो ये तो आप यहाँ से लिख देंगे, इस समय की बात बतानी है कि इस समय कानछेदी ने कैसा व्यवहार किया। तो पहले तो वो टाइम है वो लिख देंगे कि वैन घासी ट्राइड टू अनटाई द आस, कि जब घासी ने गधे को खोलने का प्रयास किया तो कानछेदी ने क्या किया, कि कानछेदी गेव, ये भी पास्ट में गया, कि कानछेदी गेव हिम रूड थ्रेसिंग, कि कानछेदी ने उसमें बुरे तरीके से डंडे मारे। रूड बुरे तरीके से, थ्रेसिंग का मतलब होता है डंडे मारना, तो उसे उसने उसमें बुरे तरीके से डंडे मारे, यानी उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी। तो पहले आप लिख देंगे कि वैन घासी ट्राइड टू अनटाई, कि जब घासी ने प्रयास किया खोलने का आस गधे को, तो उस समय क्या हुआ कि कानछेदी गेव हिम रूड थ्रेसिंग, कि कानछेदी ने उसमें बुरे तरीके से डंडे मारे। क्लियर? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि वाई डिड कानछेदी से, अब यहाँ भी देखिए ये डिड की वजह से पास्ट में चला गया से, तो कानछेदी ने क्यों कहा, ही क्यों कहा, वो भी अभी समझिए कि ही बीट अप, कि उसने पीटा है घासी को, मतलब घासी को पीटने का वाई रीजन क्या बताया। वाई जब आता है इसका मतलब कारण, कि वाई डिड कानछेदी से कि ही बीट अप घासी, कानछेदी ने कहा कि उसने घासी को पीटा है क्यों, यानी घासी को पीटने का आपको कारण बताना है। समझ में आया? तो उसने पंचायत के सामने घासी को पीटने का क्या कारण बताया। तो उसने क्या कारण बताया था, घासी तो ये कह रहा था कि मेरा गधा बंधा हुआ था, और कानछेदी ने पंचायत में ये कह दिया कि इसने मेरे गधे को खोलने का प्रयास किया, और वो भी जबरदस्ती बलपूर्वक, जब ये नहीं माना तो मैंने इसमें डंडे मारे। ठीक, देखिए, तो ही सेड, उसने कहा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको वर्ब के बाद सुनने वाला भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, तब यहाँ टोल्ड हो जाता, नहीं है तो सेड रहेगा। तो इस तरीके से कानछेदी सेड या ही सेड। ठीक, उसने कहा दैट की ही गेव हिम थ्रेसिंग, कि उसने उसमें डंडे मारे। ही मतलब कानछेदी ने, गेव दिया हिम उसमें थ्रेसिंग डंडे, तो उसने उसमें डंडे मारे बिकॉज, क्योंकि, यही आपसे पूछा है क्यों, कारण बताना ही क्यों मारे। तो बिकॉज क्योंकि घासी ने प्रयास किया, उसने क्या कहा कि क्योंकि घासी ने प्रयास किया, काय का, टू अनटाई, खोलने का, हिज आस, उसके गधे को, बाई फोर्स, बलपूर्वक,
उसने उल्टा आरोप लगा दिया कि इसने मेरे गधे को बलपूर्वक खोलने का प्रयास किया, इसलिए मैंने इसमें डंडे मारे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आंसर भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि वाई डिड कांचेदी से, कांचेदी ने क्यों कहा कि ही बीट अप गासी, उसने गासी को पीटा है। क्यों कहा मतलब उसने पीटने का कारण बताओ। तो आप सीधे सीधे कहेंगे कि ही सेड दैट कि ही गेव हिम थ्रेसिंग, उसने कहा कि उसने उसमें डंडे मारे। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कांचेदी बेट अप गासी, कांचेदी ने गासी को पीटा बिकॉज, क्योंकि। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ही सेड, उसने कहा कि ही गेव हिम थ्रेसिंग, कि उसने उसमें डंडे मारे बिकॉज, क्योंकि। अब कारण आपको अच्छे से याद हो, क्योंकि घासी ने उसके गधे को खोलने का प्रयास किया। तो बिकॉज, क्योंकि घासी ट्राइड टू अनटाई, क्योंकि घासी ने प्रयास किया, ट्राइड टू अनटाई, अनटाई मतलब खोलने का, किसको, हिज आस, उसके गधे को, बाई फोर्स, बलपूर्वक। तो उसके गधे को बलपूर्वक खोलने का प्रयास किया, इसलिए मैंने उसमें बुरे तरीके से डंडे मारे, या इसलिए मैंने उसे डंडे से पीटा। क्लियर।